हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो बना रहे हैं V6B, और हमारा जो पार्ट है वो फर्स्ट चल रहा है। तो कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन तक समझाया था बेटा। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, तो आपको ध्यान से देखकर समझना है, और जो काम दिया मैं समझता हूँ कि आपने उस कार्य को पूरा कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत है। चित्राणि चित्रों को, दृष्ट्वा देखकर, संस्कृत पदानि संस्कृत के पदों को, लिखत है लिखो, यानी चित्र देखना है और उस चित्र का जो नाम है उसको संस्कृत में लिखना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, चित्र किसका है, हाथी का। किसका चित्र है? हाथी का। और हाथी का कहते हैं संस्कृत में हम गज, क्या कहते हैं? गज है। इसके बाद दूसरा क्या है, कोवा। कोवा क्या कहते हैं हम, काक है। तीसरा क्या है बेटा, यहाँ चंद्रमा, चंद्रमा को कहते हैं चंद्र है। इसके बाद में अगला है ताला, क्या चित्र दिया बेटा अगला, ताला। तो ताला क्या कहते हैं हम, ताल है। इसके बाद भालू का चित्र दिया है, भालू को कहते हैं भल्लुक है। और उसके बाद दिया है बिल्ली का, तो बिल्ली कहते हैं मारजारी, क्या कहते हैं बेटा, मारजारी। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये आपको CW की कॉपी में करना है और ड्राइंग भी करनी है। यानी कि आपको ये चित्र बनाने हैं, और चित्र बनाने के बाद नीचे जैसे अंडरलाइन डॉट डॉट लाइन लिखा है वहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना है। तो ध्यान रखना है CW कॉपी में आपको ये 6 चित्र हैं ये बनाने हैं, इनके नाम आपको संस्कृत जैसे मैंने लिखे हैं नीचे इसी प्रकार ही लिखना है, और ड्राइंग अच्छी बनानी है, ध्यान रहे बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं हम, ध्यान से देखें। इसमें लिखा है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखो। अब यहाँ पर देखो चित्र एग्जाम्पल दिया, उदाहरण देखो, एक बालक बैठा हुआ है कुर्सी पर और बुक किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, बालक है किम करोति, बालक क्या कर रहा है। तो उत्तर क्या लिखा है, बालक है पठसी, बालक पढ़ रहा है, ऐसे हमें दिखना है। यहाँ पर यह लिखा है अश्वौ किम कुरुत है, क्या लिखा है बेटा, अश्वौ, अश्वौ दो घोड़े ना, तो दो घोड़े किम क्या कुरुत है कर रहे हैं, दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों घोड़े, तो क्या आ जाएगा, अश्वौ। और दौड़ने क्या कहते हैं, धावत, तो धावती, एक होता धावती आता है, दो है तो धावत है, और तीन होंगे तो धावंती, तो धावत अश्वौ धावत है बनेगा। तीसरा है कुक्कुरा किम कुर्वंती, कुत्ते क्या कर रहे हैं, देखो के लिए क्या लिखा हुआ है, कुक्कुरा किम कुर्वंती, कुक्कुरा यानी कुत्ते, किम यानी क्या, कुर्वंती यानी कर रहे हैं, कुत्ते क्या कर रहे हैं। तो देखो आप देखो यहाँ कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, तो कुक्कुरा इसको सेम लिखेंगे पहले, तो कुकुरहा क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, भुकंती। फिर इसके बाद देखो छात्रों किम कुरुते, दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, तो दोनों छात्र क्या कर रहे हैं बेटा, बैठे हुए हैं ये, तो क्या आएगा, छात्रौ बैठे हुए, बैठने के कहते हैं तिष्ठ से बनता है, तो तिष्ठत है। इसके बाद देखो अगला है, कृषक है किम करोति, किसान क्या कर रहा है,
किसान क्या कर रहा है? देखो बेटा यहाँ आप हिंदी में बताओ पहले, किसान खेत जोत रहा है, तो कृषक का कृषक लिखेंगे पहले तो हम, कृषक है, क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। खेत को क्या कहते हैं? क्षेत्रम। और जोत रहा है को कहते हैं कर्षति। क्या कहते हैं? कर्षति। समझ आ गया बेटा? इसके बाद में अगला इधर है, गजौ किम कुरुते, हाथी, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं? तो ये हाथी क्या कर रहे हैं बेटा? चल रहे हैं। तो गजौ का गजौ लिखेंगे और चल रहे, जैसे यहाँ दो थे दौड़ रहे धावत्य किया था, यहाँ दो हैं तिष्ठत्य किया था, ऐसे यहाँ भी दो हैं तो क्या लिखेंगे? चल रहे हैं। चलती चलत चलंती, तो क्या आएगा यहाँ पर? चलत है। हाँ बेटा, ये आपको पांचों जो क्वेश्चन है ये भी आपको CW की कॉपी में करना है, और इसमें ड्राइंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन लिखना, अशोक किम कुरुते अशोक धावत है, ऐसे लिखना है। कुक्कुरा किम कुर्वंती कुक्कुरा भुकंती नीचे लिखना है। छात्रों किम कुरुते छात्रों तिष्ठते, इस प्रकार आपको लिखना है। कृषक किम करोति कृषक क्षेत्रम कर्षति, गजौ किम कुरुते गजौ चलत है, ये आपको ऐसे लिखना है बस। हाँ बेटा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, इसमें सुनिए। पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्य रचना करनी है, पद जोड़ने हैं इसमें, यानी मिलाना है इनको आपस में। तो गजाह बहुवचन है, बहुवचन देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, चलंती, तो फर्स्ट में क्या आएगा? चलंती। दूसरा है सिंघौ, ये क्या करेंगे? गरजेंगे, तो गरजत है। तीसरा क्या है? गायक, गायक क्या करेगा बेटा? गाता है, तो गायती, ये थर्ड नंबर। बालकौ, दो बालक क्या करेंगे यार? देखो पठते, पढ़ रहे हैं। और मयूरहा, बहुत सारे मोर हैं, तो बहुवचन में नृत्यंती, नाच रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको HW की कॉपी में करना है, और करना कैसे? पहले आपको ये दोनों ऐसे का सेम लिख देने हैं, फिर नीचे लिखना है आपको मिलाकर इसको, यानी गजा बराबर चलंती, सिंगौ बराबर गर्जत है, गायक बराबर गायती, बालकौ बराबर पठत है, और मयूरहा बराबर नृत्यंती। इस प्रकार आपको ये कार्य करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मंजूषात है पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये मंजूषा पद लिखे हुए हैं, देखो बेटा लिखे हैं ना, ये 6 शब्द हैं और 6 रिक्त स्थान हैं, तो इनमें से देख के भरना है कि बहुवचन या एकवचन द्विवचन जो है जैसा होगा वैसा देख के लिखना है। तो मयूरहा, मयूर बहुवचन है, तो बहुवचन एक तो ये रहा और एक ये रहा, बस दो हैं। तो मोर नाच रहे हैं और मोर फल दे रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा, नाच रहे क्या आएगा, तो यहाँ क्या आएगा फर्स्ट में? नृत्यंती आएगा, क्या आएगा बेटा? नृत्यंती। सेकंड में सिंगा उशेर क्या कर रहे हैं बेटा? गर्ज रहे हैं, गर्जत है, दहाड़ रहे मतलब, तो यहाँ क्या आएगा? गर्जत है। थर्ड है गजऊ, दोनों हाथी या दो हाथी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चलते हैं, चल रहे हैं। इसके बाद में वानर है, बंदर क्या कर रहा है बेटा इसमें? खाती, खा रहा है। वृक्षः पेड़, पेड़ क्या करते हैं? फल देते हैं, तो फलंती। और लास्ट अश्व, घोड़ा क्या कर रहा है? धावती, दौड़ रहा है। तो ये आपको CW कॉपी में करना है। तो ये में इसमें भी क्वेश्चन लिखना है, बॉक्स में ये शब्द लिखने हैं, फिर रिक्त स्थान पूर्ति करते हुए आपको लिखना है। इसके बाद आप इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, स त्वौ ते, इन उचित सर्वनाम पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी हमको स त्वौ ते लिखना है। यदि एक वचन है तो स,
द्विवचन है तो त्वउ, बहुवचन है तो ते लिखना है। अब यहाँ देखो अश्व धावती, अश्व यानी एक ही है तो से आ गया और धावती सेम लिखना है। गजा, गजा हाथी कितने, बहुत सारे हैं तो क्या आएगा ते। और यह चलंती लिखा हुआ है अपने अब, छात्र छात्र कितने दो तो क्या बनेगा त्वउ। वानर वान बंदर कितने, बहुत सारे हैं तो क्या बनेगा ते। गायक, गायक एक है तो क्या बनेगा स। और मयूरा मोर बहुत सारे हैं तो क्या बनेगा ते। बाकी सेम लिखना है, इसको भी आपको CW की कॉपी में ही करना है। ठीक है बेटा, तो आपको क्वेश्चन लिखना है ये लिखकर सामने उसके रिक्तांक जैसे बनाया हुआ है ऐसे ही आपको कार्य करना है। तो आज ये पूरा हो गया, तो ये वर्क आपको क्लास का होमवर्क जो बताया गया है करना है, साथ में याद भी करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।